बनाने जा रही हूँ। हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राई। बस ये सूखा जो होता है ना वो, तो इसमें मैंने क्या किया, चिकन को धो के ऐसा एक जो बर्तन जिससे से पानी चला जाए उसमें मैंने रख दिया है। तो ये पूरा सूखा टाइप का हो गया। इसमें मैंने चिकन में ये हल्दी लिया है, फिर ये मैंने लिया है दही 2 चम्मच, और फिर ये चिली फ्लेक्स, फिर धनिया, फिर जीरा पाउडर लेके इसको अब मैं मिक्स करके थोड़ा देर मैरिनेट करके रख दूँगी। और इसमें मैंने नमक भी डाल लिया है ताकि नमक भी अंदर तक चला जाए। इसको 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा 1 घंटा जितना देर रख सकते हैं उतना देर ठीक है, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुकिंग ही करेंगे। तो फिर इसको मैंने मैरिनेट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 बड़े बड़े प्याज लिया है, और ये लहसुन और ये अदरक, इसको मैं छोटा छोटा काट लूँगी। और जो ये गार्लिक और जिंजर है इसका मैं थोड़ा सा कूट करके या फिर आप पेस्ट भी बना सकते हो। और अभी मेरे पास टमाटर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं एक टमाटर डाल देती। और दही डाला है तो टमाटर डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर चलिए मैं इसको कूट लेती हूँ। मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है प्याज, मैंने कूट करके रेडी कर लिया, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ये लीफ जो है ना, ये बहुत एक जैसे कि करी पत्ता डालने से एक टेस्ट भी आता है और खुशबू भी। ये भी ऐसा ही है, यहाँ पे आसाम में ये बहुत डाला जाता है, दाल में भी डालते हैं इसको, चाय में भी जो आप डालने से अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पापा को ये बहुत पसंद था, दाल में डालना ही होता था ये। फिर ये मैंने सूखा मिर्च लिया, ये लौंग, ये दालचीनी, इलायची भी डाल सकते हैं, जैसे ही आपके पास जितना भी मसाला हो वो ऐसे डाल सकते हैं। तो फिर अभी पैन में रख देती हूँ। हाँ, अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है। ये पुराने, बहुत पुराने कढ़ाई है एक्चुअली, बहुत साल हो गया इसका। नॉनस्टिक में बनाना आजकल एक फैशन ही हो गया, लेकिन उसमें इतना टेस्ट भी नहीं होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि अच्छे से फ्राई हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो है हमारा हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और मुझे तो इसमें ही बनाना बहुत पसंद है। अब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। एक्चुअली ये जो है, जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें ही बनाना होता है। हम लोग जो भी जितना भी खाना बनाते हैं या फिर ऑलिव ऑयल, तो सबके बस की बात नहीं है ना। अब हर कोई तो ऑलिव ऑयल नहीं ला सकते हैं, और हम लोगों को इतना ऑयल चाहिए होता है। थोड़ा सा जो फॉरेनर लोगों की तरह जो है थोड़ा सा छिड़क दिया ऑयल तो हो, बन गया, पक गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो मछली फ्राई करने के लिए हो, कुछ भी फ्राइज बनाने के लिए, जैसे कि मिक्स वेज वगैरह या फिर चिकन, ये सब बनाने के लिए हमें तो फिर ये ऑयल की ज़रूरत, ज़्यादा ऑयल ही ज़रूरत पड़ता है। तो रिफाइन खाना जो सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है। बस पूरियाँ तलना हो, पराठा बनाना हो, तब अलग बात है, लेकिन ऐसे ही हम लोग कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, और ये अच्छा भी होता है सेहत के लिए। मस्टर्ड ऑयल का एक ऐसा होता है, ये गर्म कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा, अच्छे से गर्म नहीं हुआ उसमें डाल दिया तो एक मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बुलबुला सा ऊपर में जो है, ये जब ख़त्म हो जाएगा ना ऑयल में अपने आप से ही, तब आपको मालूम होगा कि हाँ ये अब अच्छे से गर्म हो चुका है। और इसमें हम लोग जो ऑनियंस वगैरह है या जो भी आपको डालना है अब इसमें फ्राई कर सकते हैं। अब देखिए इसको, ये धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, जैसे ही ये ऑयल गर्म हो रहा है वैसे ही ये जो है बुलबुला सा ये कम होते जा रहा है, और ये कम हो जाएगा लास्ट में जब गर्म हो जाएगा वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब देखिए कैसा हो रहा है, और इसमें से अब क्या हो रहा है, धुआं भी निकलने लगा, देखिए ये बिल्कुल गायब भी हो गया। तो अब इस स्टेज में हम इसमें ये डाल देंगे, ये डाल दिया वगैरह, इसमें डाल देंगे ऑनियन डाल देंगे,
इंडियन कुकिंग का एक स्टाइल ही है, जब तक आवाज़ नहीं आता है तब तक इंडियन कुकिंग जैसे कि होता ही नहीं है। हम लोग इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब जैसे कि ऑनियन जो है वो ब्राउन हो चुका है, इसमें अब डाल लेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो डाल दिया और फिर फ्राई करेंगे। जैसे कि ये अच्छे से अभी भून गया है तो इसमें अभी हम लोग चिकन डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन में हमने ऑलरेडी सब कुछ डाल के मैरिनेट करके रखा है। सब मसाला भी डाल दिया, लास्ट में गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, इसमें डाल दिया और इसको फ्राई करेंगे।